हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन ए प्रोसेस ऑफ कॉपिंग पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड स्ट्रेंड टू फॉर्म टू डॉटर डीएनए इसमें हम कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे जैसे हेलिकेज हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं दो नाइट्रोजन बेस के बीच में फॉर एग्जाम्पल एडीनिन और थाइमिन इसके बीच में होते हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जबकि ग्वानिन और साइटोसिन इनके बीच में होते हैं ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड टोपाइसोमेरेज़ एंजाइम इस एंजाइम का मुख्य रोल है कि ये डीएनए की सुपर की सुपरकोइलिंग को रिमूव करता है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ये प्रोटीन जब डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती हैं कि दोबारा से रिकॉल ना हो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड वन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये तो डीएनए को सिंथेसिस करता है मींस जो अल्टरनेटिव डीएनए है उसे बनाता है जबकि डीएनए पॉलीमरेज वन ये डीएनए की प्रूफ रीडिंग करता है कि कहीं गलत तो रेप्लीकेशन नहीं हो गया है और अगर गलत हो गया है तो उसे ठीक करता है अर्थात डीएनए रिपेयर में भी हेल्प करता है इसके बाद है प्राइमेज एंजाइम तो प्राइमेज एंजाइम यह है शॉर्ट आरएनए प्राइमर बनाता है बाय यूजिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट और ये आरएनए प्राइमर एसेंशियल होता है डीएनए एन रेप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए लाइगेज एंजाइम लाइगेज ये ज्वाइन करता है टू डीएनए स्ट्रैंड को कि अगर दो डीएनए स्ट्रैंड आपस में अलग अलग हैं तो उन्हें ज्वाइन कौन करता है लाइगेज़ एंजाइम और लास्ट है आर एन एज ये आर एन ए को रिमूव करता है तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को जैसा कि हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव तो हम देख सकते हैं कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और पेरेंटल स्टैंड से जो न्यू स्टैंड जो बने हैं इसमें एक होता है पेरेंटल और सेकंड स्टैंड होता है न्यू सिंथेसाइजिंग स्टैंड ऑफ डीएनए हमारे पास में यहाँ एक इस क्रोमजोम के अंदर जो डीएनए है वो अरेंज है किस तरह से न्यूक्लियोसोम मॉडल की तरह से तो इस न्यूक्लियोसोम से जब ये डीएनए अलग होता है तो ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोसोम में हमने बताया था कि ये जो प्रोटीन है अंदर ये कौन सी प्रोटीन है ऑक्टामर प्रोटीन तो जब ऑक्टामर प्रोटीन टूटती है तो ये बनती है टेट्रामर एंड डाइमर टेट्रामर एंड डाइमर प्रोटीन तो डाइमर प्रोटीन बनने के बाद में जो हमारा डीएनए आता है ये इस तरह से अलग हो जाता है हमेशा ध्यान देना है कि इसका वन जो एंड है एक थ्री प्राइम है तो अनादर जो एंड होगा वो फाइव प्राइम होगा थ्री प्राइम इन्स ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है और फाइव प्राइम पर प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप और इस डीएनए के बाद में इसका रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है तो इसमें बनता है रेप्लिकॉन तो रेप्लिकॉन मीन लूप फॉर्मेशन होता है और लूप फॉर्मेशन होता है थायमिन रिच डीएनए रेप्लिकेशन ये होता है एस फेज ऑफ इंटरफेज में और एस फेज बहुत छोटी होती है और छोटी होने की वजह से बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो ये रेप्लिकॉन जो बनते हैं यूकैरियोट्स में ये बहुत ज़्यादा बनते हैं फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इसमें बनते हैं फाइव ड्रोसोफिला तीन और माउस लगभग पच्चीस हजार रेप्लिकॉन इसमें बनते हैं कि यहाँ पर जैसे ही ये रेप्लिकॉन बना तो रेप्लिकॉन बना तो हमने ये वाला जो पार्ट है इतना सा इसको हमने लिया है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इसमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रेप्लिकॉन बना और जैसे ही ये रेप्लिकॉन बनता है तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स इसके सिंगल स्टैंड पर अटैच होती हैं जिससे कि ये दोबारा से रिकॉइल ना हो और ये दो एंजाइम हमने बताए ही थे कि ये है हेलिकेज एंजाइम और ये काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को कंटिन्यू तोड़ता है और लूप बनाता हुआ चलता है और ये है टोपो आइसो एंजाइम और इसका मेन फंक्शन अभी आपको डिस्कस किया ही था कि ये सुपर कोयलिंग को रिमूव करता है तो होता क्या है कि जैसे ही लूप बनता है तो लूप बनने पर यहाँ पर ये जो डीएनए है ये सुपर कोइल्ड होता है मतलब हाईली कोइल्ड हो जाता है तो इस सुपर कोयलिंग के लिए करता क्या है पर्टिकुलर एक स्टेंड को कट करता है और कट करने के बाद में जो एक्स्ट्रा जो कोयलिंग है उसे रिमूव करके दोबारा से ज्वाइन कर देता है तो इससे होगा क्या कि सारी सुपर कोयलिंग इससे रिमूव हो जाती है तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट डायग्राम पर कि हमारे पास में जो थ्री प्राइम है इसके अगेंस्ट होता है फाइव प्राइम और हमेशा ध्यान रखना कि जो न्यू स्टैंड जो सिंथेसाइज होता है वो सिंथेसाइज होता है फाइव प्राइम से मीन्स फाइव टू थ्री प्राइम ही न्यू स्टैंड सिंथेसाइज होगा थ्री टू फाइव नया स्टैंड नहीं बनता है तो सबसे पहले ये है आरएनए प्राइमर आरएनए प्राइमर को हमने इंडिकेट किया है पिंक कलर से तो यहाँ पर भी ये कलर पिंक कलर है इसके बाद अटैच होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और इधर से ये बनाता है कंटिन्यूस स्ट्रैंड तो ये जो स्ट्रैंड है कंटिन्यू बना है तो इसे कहते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड या फिर लीडिंग स्टैंड जो दूसरा स्टैंड है तो यहाँ पर अभी हमने बताया आपको कि जो नया स्टैंड है वो फाइव टू थ्री प्राइम बनता है तो ये ऐसे कंटिन्यू नहीं बने क्योंकि फाइव तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है तो नया स्टैंड बनता है फाइव टू थ्री क्योंकि इधर तो जगह खाली है ही नहीं मतलब स्पेस नहीं है कंटिन्यू सिंथेसिस होने के लिए तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही फाइव टू थ्री के लिए जगह मिलेगी तो ये रुक रुक कर सिंथेसाइज होता है तो यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर होगा आर एन ए प्राइमर के बाद डी एन ए थर्ड इसमें ऐड होगा तो ये क्या है डी एन ए थर्ड तो जो सेकेंड स्टैंड होगा ये डिसकन्टिन्यूस स्टैंड होता है और इसे कहते हैं लीडिंग स्टैंड एंड इट इज डिस्कवर्ड बाई ओकाजाकी सो दिस फ्रेगमेंट्स ऑल्सो नॉन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इसके बाद जब स्टैंड का सिंथेसिस हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज वन ये इसकी प्रूफ रीडिंग करता है और प्रूफ रीडिंग के साथ साथ अगर गलती से कहीं पर भी कोई गलत बेस पेयर ऐड हो जाता है तो ये उस उन पेयर को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद में उसकी रिपेयरिंग कर तो इतने फास्ट जो है डीएनए एन एप्लीकेशन इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी प्रूफ रीडिंग भी कंटिन्यूस होती रहे जैसे ही ये बना तो इसके बीच में ये क्या है हमारे पास में पिंक कलर आर के सेगमेंट है तो इन आर सेगमेंट्स को रिमूव किया जाता है आर एंजाइम से है तो जैसे ही ये सेगमेंट आर से रिमूव होते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक गैप बन जाएगा और इस गैप को फिल किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज वन द्वारा क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो रिपेयरिंग का काम है वो कौन करता है डीएनए पॉलीमरेज वन इनको फिल करने का काम किया जाता है डीएनए एन वन से और जब फिलिंग हो जाएगी तो फाइनली इसे ज्वाइन करने का काम टू स्टैंड को जो ज्वाइन करेंगे वो ज्वाइन किया जाता है डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा और लाइगेज एंजाइम दो डीएनए स्टैंड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है तो इस तरह से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स डीएनए एन एप्लीकेशन में ही एक मॉडल है ट्रोम्बोन मॉडल इस ट्रोम्बोन मॉडल में होता क्या है कि टू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्म्स होलो एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये दो आपस में मिलते हैं और बनाते हैं होलो एंजाइम इट इज ए मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड इट फॉर्म्स द लूप ऑफ लेगिंग स्टैंड एक लूप बनाते हैं लेगिंग स्टैंड पर and this model helps to explain the formation of leading and lagging strand और ये जो model है ये explain करता है discontinuous replication in lagging strand DNA polymerase स्थर्ड ये है दूसरा डीएनए पोलिम्र थर्ड ये है तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं हॉलोइ बनाते हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं स्लाइडिंग क्लेम्प लॉडर के थ्रू ध्यान देना जो लीडिंग स्टैंड है ये तो कंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है जबकि जो लैगिंग स्टैंड है ये यहाँ पर रुका हुआ है और रुकने की वजह से ये क्या बना है यहाँ पर लूप बना है और ये जो लूप है बाद में जैसे ही ये तो कंटिन्यू बनता रहेगा जैसे ही ये लूप बनता है तो लूप बनने के बाद में ये लूप फिनिश होता है विद द हेल्प ऑफ डी एन ए पोलिमर थर्ड एंजाइम तो यहाँ पर जो फाइव प्राइम है फाइव प्राइम से थ्री प्राइम ये ध्यान दीजिएगा ये फाइव प्राइम है ये थ्री प्राइम है तो डीएनए रेप्लिकेशन ए यहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पहुँचा है यहाँ पर तो इस तरह से ये गैप बनता है और इस गैप को फिल किया जाता है और इसके बाद तो सेम प्रोसेस है कि यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव किया जाता है आरएनए एन से और फिल किया जाता है डी एन वन और उसके बाद में लाइगेज से जोड़ दिया जाता है टोपो आइसोमरेज वन एंड टोपो आइसोमरेज टू तो टॉप आइसोमरिज वन एंजाइम इट ब्रेक द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड रिमूव सुपर कोइलिंग एंड रिजॉइन ब्रेक स्टैंड तो आप देख सकते हैं कि सुपर कोइलिंग है तो इस सुपर कोइलिंग में ये यहां से पर्टिकुलर एक जगह से डीएनए स्टैंड को कट करता है और कट करने के बाद में सुपर कोइलिंग को रिमूव करता है और रिमूव करने के बाद में रिजॉइन करता है टॉप आइसोमरिज सेकेंड मीन्स गायरेज इन बैक्टीरिया गायरेज जिसका दूसरा नाम है जिसे बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास में एक पेरेंटल डीएनए है और ये डीएनए बीच में से कट होता है इट कट बहुत स्टैंड ऑफ डीएनए और साथ में इसे ज़रूरत होती है एटीपी की एंड इट इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इन डीएनए तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में डीएनए गायरेज है बाइंड टू सर्कुलर डीएनए और इसके बाद ये लूप बनता है एक लूप है पॉजिटिव दूसरा लूप है नेगेटिव तो ये क्या काम करता है नेगेटिव सुपर कोइलिंग इंट्रोड्यूस करता है तो ये जहाँ से पॉजिटिव सुपर कोयलिंग है इसको इस जगह से कट करता है यहाँ से और कट करने के बाद में जो पॉजिटिव सुपर कोयलिंग है उसे रिमूव करता है किसमें नेगेटिव सुपर कोइलिंग में तो डीएनए गायरेज बाइंड टू द सर्कुलर डीएनए पॉजिटिव सुपर कोयलिंग प्लस से हमने रिप्रेजेंट की है नेगेटिव सुपर माइनस से और यहाँ पर डीएनए जो है वो ब्रेक करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को एट एक्स पॉइंट एक्स पॉइंट कौन सा है ये वाला और इसके बाद में रिमूव सुपर कोइलिंग पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को रिमूव करता है एंड और डीएनए को कट करने के बाद में इसे रीसील करता है तो ये डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन है यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा मुख्य रूप से ये फाइव टाइप्स के होते हैं जिसमें अल्फा 80 परसेंट होता है यह न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज है और जो क्रोमोजोम रेप्लीकेशन के इनिशिएशन तथा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाने में मदद करता है बीटा डीएनए पॉलीमरेज ए है यह टेन टू फिफ्टीन परसेंट होता है यह भी न्यूक्लियर डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए रिपेयर करता है गामा डीएनए पॉलीमरेज यह है यह दो से दस परसेंट तक होता है जो कि माइक्रोकोन्ड्रिया में मिलता है और माइक्रोकोन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करता है डेल्टा यह भी न्यूक्लियर होता है जो कि क्रोमोजोम रेप्लिकेशन के इलोंगेशन में मदद करता है तथा मिसमैच डीएनए रिपेयर करता है एफ साइलॉन यह भी न्यूक्लियर होगा और यह क्रोमोजोम रेप्लिकेशन के इलोंगेशन में मदद करता है और डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर करता है थैंक यू